बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। प्रथम चरण के चुनाव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पानसेमल विकास खंड में बड़े स्तर पर चुनावों का आयोजन है। यहाँ पर कितने बूथ बने हैं, कितने संवेदनशील मतदान केंद्र है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, यहाँ जो मतदान कराने के लिए मुख्य अधिकारी के रूप में हमारे साथ अंशु चावला मैडम उपस्थित हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ स्थिति है। आज सुबह समय से मतदान सभी केंद्रों पर प्रारंभ हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट हम आयोग को भी प्रेषित कर चुके हैं। 9 बजे तक की स्थिति जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसके हिसाब से 13.5% लगभग मतदान हो चुका है और लगातार जो है मतदान जारी है। जैसा कि आप लोग भी देख ही रहे होंगे, सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही अच्छी लाइन लगी हुई है। मतदाता जो है बिना किसी समस्या के मतदान करने आ रहे हैं। बहुत सुदूर अंचल के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्या क्या चुनौतियां रही, किस तरह से तैयारी रखी और क्या मुस्तैदियां हैं और अब किस तरह से सुचारू हो पा रहा है कार्यक्रम? देखिए, जो दुर्गम क्षेत्र हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने यही चिन्हांकित किया था कि कौन कौन से दुर्गम क्षेत्र हैं जहां हमें मतदान दल को पहुंचाने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सभी मतदान केंद्रों का हमने चिन्हांकन किया, हम लोग खुद पूरी टीम जो है वहाँ हम लोग गए हैं और दरमियानी वाहनों की व्यवस्था के माध्यम से दलों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। सभी केंद्रों पर जो है बिजली आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और वर्तमान में जो है सुचारू रूप से मतदान का कार्य संचालित है। 4 पंप बैलेट पे लोगों को टिक लगाना हो रहा है, काफ़ी देर लग रही है, ऐसे में 5 बजे के बाद तक अगर भीड़ बनी रहती है, अंचलों में क्या स्थिति होगी, क्या तैयारियां हैं इसमें? देखिए, इस चीज़ के लिए हमारा जो कम्युनिकेशन रूम है, हमारी कम्युनिकेशन टीम जो है वो लगातार जो है संपर्क में है। सभी मतदान केंद्रों पर हमारे जो है रनर्स या हमारे इंफॉर्मेशन देने के लिए लोगों की ड्यूटी हमने लगाई हुई है और हमको सतत रूप से जानकारियां प्राप्त हो रही है कि किस केंद्र पे कितनी भीड़ है। हमारे सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं, हमारे राजस्व के जो तहसीलदार नायब तहसीलदार है, सभी को हमने जोन्स में बांटा हुआ है और लगातार हम लोग ये मैसेज कर रहे हैं कि इसको अगर कहीं पर कोई स्लो मतदान हो रहा है तो उसको स्पीड अप कराया जाए। अगर 3 बजे के बाद भी लोगों की लाइन लगी रहती है तो उसमें पर्ची बांटने की व्यवस्था होगी और जब तक लोग मतदान करने के लिए वहां रहेंगे तब तक उनसे मतदान कराया जाएगा और उसके बाद जो है गणना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बिल्कुल, हम चैनल की ओर से भी शुभकामना देते हैं कि सारा अच्छे से संचालित। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, यहाँ पे सारे इंतजाम किए गए हैं, काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, गणना का कार्य चल रहा है, सतत मतदान केंद्रों से आने वाले आंकड़ों को यहाँ पर प्रेजेंट करके, यहाँ से डाटा को फिल्टर करके और पोर्टल पर डाला जा रहा है, ऊपर विभाग को और आयोग को जानकारियाँ भेजी जा रही है। निश्चित ही हम सोचते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, पर इतनी बड़ी टीम के द्वारा ये सब कुछ अच्छे से जरूर करा लिया जाएगा।